यह मार्च महीने का पहला हफ्ता है। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। अब तक आपने इनकम टैक्स या इन्वेस्टमेंट से जुड़े अपने काम निपटा लिए होंगे, लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अब जल्दी से काम निपटा लें। महीना खत्म में कुछ ही दिन का समय बचा है, जिसके चलते सरकार ने कुछ कामों के लिए डेडलाइन जारी की है। समय रहते आपको इन कामों को निपटा लेना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मार्च के अंत तक कई कामों को पूरा करने की डेडलाइन 15 और 21 मार्च है, जिनमें पैन, आधार लिंकिंग से लेकर एडवांस टैक्स तक भरना शामिल है। अगर आप इन कामों को समय से पहले पूरा नहीं करते हैं तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इनकम टैक्स विभाग ने पैन होल्डर्स के लिए इस साल 31 मार्च से पहले इसे आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। अगर किसी वजह से आप ये काम नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड किसी भी काम का नहीं रह जाएगा, यानी कि यह रद्द हो जाएगा। पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2023 है। इसकी वजह से आप इनकम टैक्स फाइलिंग से लेकर TDS जैसे काम भी नहीं कर पाएंगे। पैन और आधार को लिंक करने के लिए 1000 रुपए का लेट फीस भी लग सकती है। इनकम टैक्स के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स भरने के लिए लास्ट डेट 15 मार्च 2023 है। इस तारीख तक टैक्स पेयर्स को 100% एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 2008 के तहत हर किसी को इस वर्ष के लिए अनुमति 10,000 रुपए से अधिक के एडवांस टैक्स का पेमेंट करना होगा। हालांकि सीनियर सिटीजन को इनमें कुछ रियायत दी जाएगी। एडवांस टैक्स उन लोगों को भुगतान करना होगा जिनकी सैलरी के अलावा अदर इनकम सोर्स है। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए अपडेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 है। वो टैक्स पेयर्स जो वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इसे दाखिल करने से चूक गए हैं या किसी इनकम की सूचना देने से चूक गए हैं, वो एक अपडेट ITR या ITRU फाइल कर सकते हैं। FY 2022 से 23 के लिए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की भी डेडलाइन 31 मार्च 2023 को खत्म होगी। यह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण जो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था को सेलेक्ट करते हैं। टैक्स पेयर्स पुरानी टैक्स रिजिम के तहत अपने निवेश के लिए कई छूट का क्लेम कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड को भी निवेशकों के आधार नंबर से जोड़ा जा रहा है। एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को सभी लोगों के आधार नंबर अपडेट करने होंगे और UIDAI से वैलिडेटेड कराने होंगे। इसी तरह सभी म्यूचुअल फंड्स को आधार से जोड़ना जरूरी होगा। आधार का म्यूचुअल फंड से जोड़ने के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन, MMS या ईमेल का इस्तेमाल हो सकता है। अगर इसे आधार से नहीं जोड़ा गया तो आप अपने पैसे नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए सारे काम आप 31 मार्च से पहले निपटा लें। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहें जनहित टाइम्स।